मंडल के सेवानिवृत्त पेंशनरों की समस्याएं एवं उनके कार्यालयाध्यक्षों के यहां उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मंडलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 6 मामले आए, जिसमें 4 पंजीकृत तथा 2 अपंजीकृत मामले थे। प्राप्त मामले में 1 कुशीनगर, 1 देवरिया तथा शेष गोरखपुर के मामले रहे, जिसमें 2 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पेंशन अदालत में तहसील सदर गोरखपुर के सेवानिवृत्त नसीम अहमद के पेंशन प्रकरण पर तहसीलदार की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने तहसीलदार सदर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर प्रकरण का निस्तारण करते हुए पेंशनर को अवगत कराया जाए। इसी प्रकार कुशीनगर जनपद के रामहरक यादव के पेंशन प्रकरण का निस्तारण न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए आयुक्त ने SDM हाटा को 15 दिन के अंदर मामले का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय के अंतर्गत मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो व्यक्तिगत रूप से वे उत्तरदायी होंगे। सिंचाई विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा के संबंधित प्रकरणों पर आयुक्त ने चीफ इंजीनियर सिंचाई एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक से दूरभाष पर निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने कहा कि एक न एक दिन हर अधिकारी कर्मचारियों को इस दौर से गुजरना होता है, इसीलिए बिना समय नष्ट किए पूरी संवेदनशीलता के साथ पेंशन प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि किसी के पेंशन प्रकरण को लंबित रखना पाप है। पेंशन अदालत का संचालन अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन आनंद स्वरूप ने किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।